दोस्तों आज मैं आया था एसएससी सीपीओ का एग्जाम देने, तो मैं एग्जाम देके आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं और किस तरह का लेवल था एग्जाम का। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे शुरू में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। रीजनिंग में सारे क्वेश्चन इजिली बन रहे थे और मतलब क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे रीजनिंग के, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसमें फंस नहीं रहे थे, इजिली बन जा रहे थे। यानी आप इजिली 45 प्लस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग में, इतने क्वेश्चन करने लायक थे। और जो अच्छी जिसकी प्रैक्टिस होगी तो 50 में से 50 भी कर लेगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, तो इजिली 45 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में, अटेम्प्ट कर सकते हो। और जीएस थोड़ा सा इजी टू मतलब इजी, बहुत इजी क्वेश्चन भी थे तो थोड़ा टफ क्वेश्चन भी थे। तो यानी आप लगभग 20 से 25 के आसपास आराम से रीजनिंग में भी अटेम्प्ट सॉरी जीएस में अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। 20 से 30 के बीच में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो इस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट शिफ्ट थी आज की। और मैथ में देखिए, मैथ भी इसी तरह से था, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन काफी लेंदी थे, एडवांस काफी क्वेश्चन थे एडवांस मैथ के। तो लगभग 40-50% एडवांस मैथ था, लेकिन जो बाकी का अर्थमेटिक था वो काफी मतलब इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है, आराम से उसको आप कर सकते थे। बात और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मतलब ठीक ठाक थी, थोड़ी इजी टू मॉडरेट ही थी। कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा टफ नहीं था एग्जाम, इजी टू मॉडरेट ही रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली आपको मतलब एकदम आंसर मिल जाएगा, लेकिन कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसे पूछे गए थे जो आपको उस वर्ड का मीनिंग तो पता होगा लेकिन जो ऑप्शंस थे वो थोड़े टफ दे दिए गए थे। तो इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ठाक थी, मतलब बहुत इजी नहीं कह सकते इंग्लिश को, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का एग्जाम का जो है रिव्यू। लगभग आप इजिली 120 से लेकर के 140 के बीच में आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी 130 के आसपास इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने तैयारी की हुई है तो। मतलब इजी टू मॉडरेट जो है एग्जाम है, बहुत ज्यादा उसको टफ नहीं बोलेंगे। तो मैंने भी लगभग 137 के आसपास किए हैं, ठीक है, 137 किए, 47 मैंने रीजनिंग में किए हैं, एक दो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ रीजनिंग का। और मैथ में एडवांस मैथ मैंने पढ़ा नहीं है, तो एडवांस में मैंने लगभग 27 क्वेश्चन ही किए हैं। और जीएस में थोड़ा सा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो जीएस नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैंने जीएस में भी 26 के आसपास ही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और बाकी इंग्लिश में 37 अटेम्प्ट मैंने किए हैं। तो इस तरह से मेरा अटेम्प्ट रहा है। तो और ज़्यादा आप गलत नहीं करना, ठीक है, 120 के आसपास, मतलब 110 से 120 भी आपके सही हो रहे, तो ज़्यादा गलत करने की कोशिश मत करना और जितना हो सके सही क्वेश्चन ही करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।